हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 105 का नेक्स्ट पार्ट। लेकिन ये कि अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। सामने रहो सीधे। तुम जब सामने नहीं रहती हो तो मेरी आंखें तुम्हें ढूंढने लगती हैं सीधे। फिर तुम दिखाई नहीं देती हो तब मैं व्याकुल हो जाता हूं। तुम मेरी आत्मा हो सीधे, मेरे प्राण हो तुम, मेरा जीवन हो तुम। अच्छा, ऐसा है तो आप मुझे अयोध्या में छोड़कर अकेले वनवास क्यों आना चाहते थे? क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरे साथ आओगी। मेरा शरीर यदि वन में होगा तो मेरे प्राण अयोध्या में कैसे रह सकते हैं? सीता राम अलग अलग नहीं है सीते, दोनों एक ही हैं। इसीलिए मुझे सीता राम भी कहते हैं। ये तुम भी जानती हो और मैं भी। लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि कार्य कठिन है, मार्ग दुर्गम है, परंतु आपका आशीर्वाद वानरों के साथ है ना भैया? लक्ष्मण, सीता की खोज में वानरों को वन, उपवन, नगर उपनगर, पर्वत, गांव, गुफाओं सब हर स्थान पर जाना होगा। कार्य आसान नहीं। इस कार्य में वानरों को आत्मविश्वास, निर्भयता और बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना होगा। भैया वो देखिए, भैया कुछ वापस लौटे हैं। ये वो दल है भैया जो भाभी को पहुंचने के लिए पूर्व दिशा में गया। देखो भाई, समाचार से ये वानर दल आ रहा है। लगता है इन्हें भाभी के बारे में कुछ ना कुछ पता चला है। प्रणाम रघुनंदन। सीता कहाँ है महाराज सुग्रीव? पापी रावण ने सीता को कहाँ रखा है? कैसी है वो? प्रभु, हमें सीता माता के बारे में कोई जानकारी नहीं। ओयो, महाराज सुग्रीव खुद आ गए। हमें क्षमा कर दीजिए। दक्षिण और पश्चिम दिशाओं से अभी वानर दल आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तो एक शहर से वापस आए। ओह
बैठी है तरु अशोक वाटिका के शोक को बढ़ा रहे। पुष्प वाटिका के पुष्प कितने सुखदायक थे, पुष्प है यहाँ भी किंतु शूल से चुभा रहे। सीता माता के दर्शन नहीं हुए और ना उनके बारे में कुछ पता चला। प्रभु हमने बहुत ढूंढा परंतु मैं उदास अवश्य हूं लक्ष्मण परंतु निराश नहीं। उत्तर और दक्षिण दिशा से सीता की जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। उत्तर दिशा की टोली भी लौट आई है। माता सीता के बारे में उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। परंतु इसमें आपका क्या अपराध है स्वामी? अपराध यह है कि हम अब तक माता सीता को नहीं खोज पाए और फिर से प्रभु श्री राम के चेहरे पर उदासी देखनी पड़ेगी। रोमा, प्रभु श्री राम कुछ नहीं बोलते परंतु उनकी चुप्पी सब कुछ बोल देती है। अपराध यही है कि हमने उन्हें वचन दिया था कि आकाश पाताल एक करके माता सीता को खोज निकालेंगे, परंतु असफलता का मुंह देखकर अब मेरा विश्वास भी डगमगाने लगा है। विभीषण, गुप्तचरों द्वारा लाए गए संदेश सुना? जी प्रदर्शनी। तो फिर अपनी भाभी श्री को भी सुनाओ। सुनाओ सुनाओ। भाभी श्री, सीता की खोज में वानरों के जो दल चारों दिशाओं में निकले थे
उसमें से एक दल को छोड़कर बाकी सब खाली हाथ किष्किंधा वापस आ गए। अच्छा, मतलब मिलना मुश्किल है। सुन लिया महारानी मंदोदरी, बानर ये भी नहीं जान पाए कि लंकेश सीता को कहां ले गया है। अब चिंतित और विचलित होना छोड़ो, सीता कहां है न राम को ये पता चलेगा, न राम लंका तक पहुंच पाएगा। बिल्कुल यार, ये तो बात ठीक है कि भाई आप देख लें कि जिधर से भी लौट रहे हैं वो निराश ही कर रहे हैं। हमें भी साथ साथ ये देख लें कि हमें काफ़ी ज़्यादा यकीन था कि जब इतनी बड़ी सेना है, वानर सेना छोटी नहीं, आखिर बाली की इतनी बड़ी बड़ी सेना होती थी, तो अब महाराज सुग्रीव के पास है, तो सब जब चारों दिशा से भाई ऐसे लौट रहे हैं ना, तो बहुत दुख हो रहा है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है क्या नहीं। आप देखें कि जैसे तीन सेना जो है ना भाई, वो वापस आ गए, से वापस आ गए, एक बस रहती, एक रहती है, पता नहीं वो कौन सी सेना है, लेकिन हमें आगे आगे देखना होगा और देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन फिर भी राम जी उन पुरानी यादों को लेकर काफी भाई, दोनों तरफ से पुरानी यादें जो है ना वो ताजा आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप देख, हाँ जैसे सीता जी और राम जी बस पुरानी बातें याद कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें देखकर काफी हमें भी भाई सही बात है भाई, जो सेना थी ना वो चारों तरफ फैली हुई थी और इतनी बड़ी सेना भी थी, तो एक अगर एक मिलती ना सीता जी, लेकिन कम से कम कुछ पॉइंट तो उनको जरूर मिलते कि कहाँ से मतलब कि ये चीजें हुई हैं, कोई सुराग होता है, कोई ना कोई चीज जरूर होती है। अगर इतना मतलब कि चारों तरफ एक लोग बसते भी हैं, कुछ ना कुछ तो पता होगा इस दुष्ट के बारे में, लेकिन किसी को भाई अभी कोई समाचार नहीं मिला। एक हनुमान जी की जो सेना है ना वो उधर ठहरी हुई है, वो भी मुझे तो लगता है कि निराश होकर ही वापस लौटेंगी, क्योंकि आगे है समंदर, और समंदर में उनको भी मतलब के डाउट है कि इधर का मतलब के समुंदर कितना बड़ा होगा, कितने मतलब के आगे चीज़ें हैं, वो अभी क्लियर नहीं हो सका। तो भाई अभी तो निराश ही निराश हर तरफ हो रही है। बिल्कुल, उधर से महाराज सुग्रीव भी इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि तीन साइडों से तो वापसी हो चुकी है, लेकिन एक साइड है अब लग तो यही रहा है कि वो हनुमान जी वाली साइड है, अब मे बी वो कुछ ना कुछ करें, लेकिन ये कि इधर से तो कुछ भी नहीं लेगा, इस वजह से भाई परेशानी बढ़ गई है। और अगर आप कोई इस तरह का सीन होता तो वो बहुत बड़ा जो है ना वो अब एक किस्म की जो है ना वो उम्मीद टूट जाएगी श्री राम जी की, कि अब जो है ना वो कहीं से पता नहीं लगे, लेकिन देखो ये तो आप वक्त बताएगा, वो लगे हुए तो हैं इस चीज़ के ऊपर। हाँ सही बात है, लेकिन ये कि अब इधर जैसे खुशियां मनाई जा रही हैं कि महारानी मंदोदरी को बोल रहा रावण कि उनको कुछ भी नहीं मिला, बनता है भाई उनका, लेकिन ये कि आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक।